नमस्कार, मैं दीपक जीवन हैंडीक्राफ्ट से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये था कि हमने कुछ समय पहले रीसेलर्स के ऊपर एक सर्वे किया था। वो सर्वे का रिजल्ट और वो सर्वे का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसमें काफ़ी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला और काफ़ी लोगों ने हमारा सहयोग दिया और हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। तो वो सर्वे और वो समरी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इस वीडियो का यही पर्पज़ था। जैसे कि मैंने सबसे पहले इसमें क्वेश्चन किया था, विच काइंड ऑफ बिजनेस यू हैव, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे पास लगभग 13 से 14 व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो सारे के सारे फुल हैं, पर हम ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि उसमें से रीसेलर्स कितने हैं, रिटेलर्स कितने हैं, होलसेलर्स कितने हैं और कस्टमर कितने हैं। क्योंकि जैसा कि अगर आप रीसेलिंग बिजनेस करते हैं तो आप सबको पता होगा कि देखने वाले बहुत सारे लोग हैं कि आप किस तरीके से पोस्ट करते हो, आप किस तरीके से फोटोज़ एडिट कर रहे हैं या किस तरीके से वीडियोज़ डाल रहे हैं, तो देखने वाले बहुत हैं, उससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे। पर फिर भी मैं ये डेटा लेना चाह रहा था कि हमारे पास रीसेलर्स कितने और सीरियस रीसेलर्स कितने। उसके लिए मैंने एक ना फॉर्म फिल करवाया था, काफ़ी रीसेलर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो पता चला कि 71.2% मेरे पास रीसेलर्स हैं और रिटेलर्स भी हैं 16.7% और होलसेलर्स भी हैं 10.6% और कुछ कस्टमर्स हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि हाउ मेनी सेल्स यू आर गेटिंग इन ए वीक, आप एक हफ्ते में कितनी सेल्स ले रहे हैं। तो मुझे ये आंकड़े से पता चला कि 1 से लेकर 5 सेल एक हफ्ते में करने वाले बहुत सारे रीसेलर हैं। लगभग 56% रीसेलर हैं जो हफ्ते में सिर्फ 1 से लेकर 5 सेल होती है उनसे। तो हमारा कस्टमर बेस, हम उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं कि अगर आपको कुछ प्रकार की सपोर्ट, हेल्प या कुछ गाइडेंस चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं। आप मेरे को डायरेक्ट पर्सनली कॉल कर सकते हैं। हमारा एक पेड रीसेलर्स का टूल है जिसके अंतर्गत हम कोशिश करते हैं कि आपको ट्रेन करें और आपकी सेल को इनक्रीज़ करने में मैं आपकी हेल्प करूं। हमें लगभग 7 से 8 साल हो गए हैं रीसेलिंग बिजनेस के अंदर और पूरी इंडस्ट्री के अंदर। आप जीवन हैंडीक्राफ्ट आराम से सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी। आज तक किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव केस हमने नहीं देखा है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। खैर आगे चलते हैं। तीसरा सवाल मेरा ये था कि विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर रीसेलिंग बिजनेस, आप अपने रीसेलिंग बिजनेस में किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग, और हमें भी रियलाइज अभी हुआ है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिस पे हम भी गौर नहीं कर पा रहे। तो काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्स दिया कि एमओक्यू प्रॉब्लम है, और किसी ने बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने बोला एमओक्यू एंड शिपिंग, मतलब लोगों को शिपिंग टाइम पे नहीं मिलती है। अदर ग्रुप्स वगैरह पे ये प्रॉब्लम मैंने देखी है कि लोगों को शिपिंग टाइम पे नहीं मिलती है। किसी ने बोला कीमत, मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, लेट ट्रैकिंग FB पे मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर को भी वही रेट देते हैं जो रीसेलर्स को मिलती है, वही मैन्युफैक्चरर कस्टमर्स को रेट दे देते हैं। ये प्रॉब्लम हमने भी फेस करी है, पर इसका कोई इलाज है नहीं, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। फिर वापस से MOQ, मैनी रीसेलर्स इन मार्केट, बिल्कुल बहुत सारे रीसेलर मार्केट में हैं, पर मैं इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ। अगर आप में, आपकी क्वालिटी में, आपकी सर्विस में अगर दम है तो मैं कंपटीशन नाम की कोई भी चीज़ को मानता नहीं हूँ। इस चीज़ के लिए आप मेरे से अलग से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, हम अप्रोचेबल हैं। टाइमिंग एंड लिटिल क्वालिटी का प्रॉब्लम है, बिल्कुल हम इस पर वर्क कर रहे हैं। हाई प्राइस एंड MOQ प्रॉब्लम, तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ MOQ काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्स किया है कि भाई MOQ की प्रॉब्लम चल रही है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 1 या 2 दिन के अंदर मैं MOQ की प्रॉब्लम को ख़त्म कर दूँगा रीसेलर्स के लिए। हम इसी पे वर्क कर रहे हैं, जब तक हमें प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी हम उस पर वर्क नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरर सेम आइटम अवेलेबल नहीं होता है, दूसरा भेज देते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है। आई हैव नॉट एनी प्रोडक्ट माइसेल्फ। आप मार्केट में हम जैसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। लीड्स नॉट कन्वर्टेड, बिल्कुल उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए रीसेलिंग बिजनेस के लिए पूरा प्रोसेस होता है, आप उस प्रोसेस को फॉलो करिए, सेल्स आती है। मार्केट में अच्छे लोगों की कमी है, मार्केट में ट्रस्ट, विश्वास, ईमानदारी, इन सब चीज़ों की कमी है।
अगर आप इस पे वर्क करेंगे तो सेल्स आती है। मार्केट प्रॉब्लम, MOQ, शिपिंग प्रॉब्लम इज मेन इश्यू। शिपिंग बिल्कुल प्रॉब्लम है, इसमें आपको कस्टमर से 5 to 7 वर्किंग डेज का टाइम लेके चलना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा अर्जेंट के पार्सल होते हैं तो आपको पहले ही सप्लायर को पूछना पड़ेगा कि भाई इतना समय में अगर आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो वो आप सप्लायर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेस रिस्पॉन्स, एवरी वन नोज जेज जीवन हैंडीक्राफ्ट, मतलब सब लोग जानते हैं जीवन हैंडीक्राफ्ट को, इस तरीके से इन्होंने बोला है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत सारे लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए अभी तक, तो आपको ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। नाउ MOQ प्रॉब्लम, MOQ प्रॉब्लम है लेट डिलीवरी एंड डैमेज प्रॉब्लम। ये उन्होंने अपने साथ जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो सारी इन्होंने प्रॉब्लम लिखी है। मैं ज़्यादातर जहाँ तक देख पा रहा हूँ MOQ प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर हम वर्क करेंगे। लेट ट्रैकिंग, ट्रैकिंग हमारी 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर मिल जाती है। अगर आप हमारे कस्टमर हैं पुराने तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं। बाकी ट्रैकिंग हम एकदम समय पे देने की कोशिश करते हैं। कभी कभार थोड़ा सा लेट हो जाता है 1% चांस में, 99% हम 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर ट्रैकिंग दे देते हैं। और पूरा ये चीज़ के लिए हम बहुत सीरियस हैं और हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं जब तक पार्सल नहीं मिल जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम जीवन हैंडीक्राफ्ट एंड व्हाट हाउ वी कैन हेल्प इन योर बिजनेस ग्रोथ, हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो काफ़ी जो मेरे को रिस्पॉन्स मिले हैं वो हैं, यस मोर प्रोडक्ट्स, उचित कीमतें, पूरे डायरेक्टली टू कस्टमर ऑन आवर बिहाफ। बिल्कुल, आपके नाम से ही कस्टमर को कूरियर जाता है, उसमें जीवन हैंडीक्राफ्ट्स की किसी भी प्रकार की डिटेल हम नहीं डालते हैं, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। MQR इज़ द मेन, MOQ इज़ द मेन प्रॉब्लम। बिल्कुल हमारे साथ भी ये है कि हम काफ़ी प्रोडक्ट्स में MOQ रखते हैं। कारण इसका यह है कि हम मैन्युफैक्चरर्स हैं और हमारा मेन बिजनेस होलसेलिंग बिजनेस है, तो हमें MOQ रखना ही पड़ता है। हमारे लिए ये क्वांटिटी भी बहुत कम है, MOQ हमें 12 रखनी पड़ती है क्योंकि हमें रेट भी कॉम्पिटिटिव देनी पड़ती है। फिर भी हम MOQ के ऊपर आजकल में ही हम वर्क कर रहे हैं, और आपको बिना MOQ बहुत कम MOQ वाले प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। आप ग्रुप में बने रहना, प्रोडक्ट ऑलवेज गुड, थैंक यू। रीसेलर्स और कस्टमर दोनों की प्राइस में डिफरेंस रहती है हमेशा। बिल्कुल, पहली बात तो हम कस्टमर से डायरेक्ट डील करते नहीं हैं, हम डायरेक्ट कस्टमर से डील 0% करते हैं, 1% भी मैं नहीं बोलूँगा। हम डायरेक्ट रिटेल के अंदर, हमारा खुद का JH गैलरी के नाम से अमेज़ॉन पे ब्रांड है, आप आराम से चेक कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, हम रिटेल कस्टमर को वहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं, हम डायरेक्ट एंटरटेन रिटेल कस्टमर को नहीं करते हैं। एवरीथिंग इज़ गुड, आई फील जस्ट रिक्वायर टू पे अटेंशन ऑन बेटर क्वालिटी, मोर वेराइटी एंड नो MOQ। बिल्कुल, हम वेराइटी और एड कर रहे हैं, आप ग्रुप में बने रहना, हम कोशिश कर रहे हैं। और आप भी सजेशन दीजिए कुछ, अगर आपको भी कुछ वेराइटी आपको लगती है कि भाई हमें ये ऐड करनी चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें सजेशन दीजिएगा, हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे। नीड मोर कलेक्शन, सेम डे डिस्पैच, यू आर डूइंग प्रॉपर बिजनेस, नो इश्यू, थैंक यू सो मच। काफ़ी लोगों ने हमें सहारा भी है कि भाई आप अच्छे से काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। वी नीड मोर सैम्पल्स फॉर दिवाली, बट योर फोकस इज़ ऑन बाय MOQ 10। बिल्कुल, हम MOQ 10 पे फोकस कर रहे हैं, पर हम उस पर भी वर्क कर रहे हैं। हम MOQ, मतलब इसका मेन मेरे को यही लग रहा है, MOQ, बस यही देखने को मिल रहा है। लेस डायरेक्ट कस्टमर बेस, इंक्रीज MOQ, यस प्राइस कम कीजिए, MOQ क्रेडिट रेट, एक्टिव रिस्पॉन्स, बिजनेस टिप्स। बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ टिप्स देने की। बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी, थैंक यू सो मच। लो प्राइस, गुड सर्विस, नो इशू, काफ़ी लोगों ने हमारे साथ काम किया है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हमें मिले हैं। गूगल पे रिव्यू और रेटिंग्स आप चेक कर सकते हैं, और अगर आपने हमारे साथ एक भी बार काम नहीं किया तो एक बार काम करके देखिए, आपको पता चलेगा। और हम MOQ के ऊपर बिल्कुल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल ये था, विल यू इंक्रीज अवर, अच्छा, विल यू इंटरेस्टेड इन अवर पेड प्लान फॉर रीसेलर। हाँ जी बिल्कुल, हमने एक रीसेलर्स के लिए पेड प्लान भी लॉन्च किया, हमने कोशिश की एक वॉलेट सिस्टम जो कि बिल्कुल नॉमिनल रेट पे है। उसके लिए आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको वो पेड प्लान जो भी है उसकी क्या शर्तें हैं वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा।
इसमें आपको एक वॉलेट मिलेगा, वो वॉलेट को अगर आप वो वॉलेट में वो करते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा फ्लैट, जो भी ग्रुप में जो पोस्ट आ रही है उसके ऊपर। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा हम अच्छा सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, अलग से उनका ग्रुप बनाते हैं, अलग से ब्रॉडकास्ट करते हैं। अगर उनकी सेल में हम हेल्प कर सकते हैं तो सेल में भी हेल्प करेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी हमें फीडबैक और सजेशन दीजिए कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए तो हम रीसेलर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सकें। फिर हमारा ये था सजेशन और फीडबैक फॉर अस, हमारे लिए कोई सजेशन दीजिए जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल हमारा पूरा फोकस है कि हम अपने आप पे वर्क करें, हम इम्प्रूव करें, उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं अकेला या हम में से नहीं हूँ, हमारे पास 500 से ज़्यादा महिलाएँ जुड़ी हुई है जिनका घर चलता है, मेरा भी घर चलता है। तो हम कोई भी इंसान जानबूझ के कुछ भी गलती नहीं करना चाहता, बस कस्टमर्स को ये करना पड़ेगा, आपको लगता है कि इम्प्रूव कर सकता है, अगर आपको लगता है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिए, व्हाट्सएप पे हमें सजेशन दीजिए कि भाई आपको ये करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ कॉम्बोज डिज़ाइन करें तो आप भी बना के दे सकते हैं हमें कॉम्बो, कि दीपक भाई ये और ये आइटम्स का आप मिला के कॉम्बो लगभग 500-600 रुपये तक का कॉम्बो आप डिज़ाइन आप भी करके दे सकते हैं, इतनी हेल्प आप भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फीडबैक हमारे लिए क्या है, सजेशंस क्या हैं, मच लुकिंग फॉर मोर प्रोडक्ट्स। बिल्कुल हम और प्रोडक्ट्स की तरफ भी मूव कर रहे हैं और प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। यू शुड इंक्रीज योर स्टॉक बाय गिविंग ऑन फेड, बिल्कुल हम आपको सिंगल सिंगल पीस काफ़ी आइटम्स में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। एक वेबसाइट बनवा रहे हैं हम लोग, उस वेबसाइट के ऊपर आपको सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको एक चाहिए या फिर आपको 100 चाहिए, सब चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। गिव होलसेल प्राइस टू बी बिकॉज मैनी पीपल गेट सेम प्राइस फ्रॉम यू, दे हाउ विल यू एक्सपेंड माई बिजनेस, येस आई कैन अंडरस्टैंड। बट काफ़ी होलसेलर्स हमारे से जुड़े हुए हैं जो बहुत क्वान्टिटी में लेते हैं और वो भी रीसेलिंग का बिजनेस करते हैं। योर वुमन वर्किंग टीम इज़ बेस्ट, योर प्रोडक्ट आर रियली वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच, रिमूव एमोटिव, बिल्कुल जैज इज़ गुड बिजनेस एंड काइंड नेचर ऑफ दीपक ब्रो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके की कमेंट पढ़ के। खैर, नो सजेशन एट ऑल, फुल्ली सेटिस्फाइड विद यू, थैंक यू सो मच, हमें सजेशंस चाहिए, एवरीथिंग इज़ गुड। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कुछ सजेशन दिए भी हैं और कुछ ने नहीं दिए हैं, वो बोलते हैं सब कुछ परफेक्ट है, बाकी हमें लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों पर भी वर्क करना ज़रूरी है। विल यू ज्वाइन और एफिलेट प्रोग्राम, बिल्कुल 53% लोगों ने कहा है बिल्कुल हम ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा, अब एफिलेट प्रोग्राम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एफिलेट प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है। बहुत सारे रीसेलर हैं जिनकी खुद की एक ब्रांड बिल्डिंग नहीं है, बहुत सारे रीसेलर हैं जो बिजनेस करना तो चाहते हैं पर उनको माफ़ी चाहूँगा कि उनको अभी नए नए होने की वजह से कोई जानते नहीं है, गुडविल नहीं है, ठीक है। तो हमने उन लोगों की हेल्प करने के लिए हमारा एफिलेट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको जीवन हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स को जीवन हैंडीक्राफ्ट के नाम से ही प्रमोट करना है। हमारी एक वेबसाइट है www.jeevanhandicrafts.in, उस आप वेबसाइट पर विजिट करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप विजिट करिए, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। आप एफिलेट प्रोग्राम को ज्वाइन करिए, आपको हर प्रोडक्ट की सेल के ऊपर, आपको टोटल सेल के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा बोनस आपके अकाउंट में, पेटीएम अकाउंट में आ जाएंगे। इसके लिए अलग से आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करके भी समझ सकते हैं, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, ये था हमारा आज का वीडियो का सारांश, और हमने फीडबैक लिया था रीसेलर से और हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा कि आपके कुछ सजेशंस, कुछ फीडबैक हैं हमारे लाइक, और मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच